अस्सलाम वालेकुम। देखें, देख लो, ये गुरु ये गाय को अभी मिल्किंग कर रहे, मिल्किंग करना शुरू कर दिया। आज हमारा इधर बहुत गर्मी है, गर्मी में भी दूध बहुत कम हो जाता है, क्यों गाय कम हो जाता है, क्यों ठंडा रहता है, सर्दी रहता है, उस टाइम गाय का दूध ज़्यादा होता है। तो जिससे हम अच्छा रहे तो दूध भी ज़्यादा देता है, तो गर्मी में कैसे दूध देगा। इसलिए आप लोग को बोलना चाहता हूँ, गाय को ऊपर अब बिल्कुल फैन लगाना। मैं फैन लगा हुआ क्यों, तो फैन इतना ज़ोर से घूमता नहीं है, फिर भी ये गर्मी का टाइम 3 बार गौसल कराना, सुबह, दोपहर को और शाम को लाजिम गौसल को नहाना है 3 बार। हम लोग को जैसे इंसान को जैसे गर्मी लगता है, ये लोग को भी ऐसे गर्मी लगता है। अरे तो बहुत ओजन वाला गाय है, इसलिए लाजिम ये लोग को 3 बार करके नहाना है। सर्दी का टाइम अलग बात है, सर्दी का टाइम 1 बार आप नहा दो कोई मुश्किल नहीं है, गर्मी का टाइम 3 बार। हमारा जो मिल्क मैन आज बहुत तबान हो गया गर्मी की वजह से, इसलिए एनर्जी नहीं है उसका दिन जिसम में, इसलिए आज इतना स्पिरिट भी नहीं है मिल्किंग करने का। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना और कमेंट करके बताना है। बाहर का हवा भी नहीं है, बाहर थोड़ा हवा चलता है, बारिश होता है तो फिर थोड़ा ठंडी हो जाता है। चलो, अल्लाह ताला जैसे करेगा ऐसे ही रहना पड़ेगा, फिर भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्रिया करना चाहिए। तो देख लो, गर्मी को वैसा से दूध कम हो गया पूरा। पहला 1 बाल्टी होता था, अभी 1 बाल्टी भी नहीं है, थोड़ा खाली है। आप लोग को देखा है कैसा गर्मी है, कैसा धूप है, ओहो बहुत तेज़ है, धूप को अंदाजा खड़ा नहीं हो सकता आदमी, ऐसा धूप है। हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना,
लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना ये बोले मैं ख़त्म कर रहा हूँ मेरा वीडियो। खुदा हाफिज़।